एडिंग करती है, थोड़ी देर बैठे थे शायद धनी अपना एडिंग करना था। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की कुसुम में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है झाड़ू लगाने से। सुबह सबसे पहले घर में उठते ही सभी का काम होता है झाड़ू लगाना, तो बस मैंने भी यहाँ पर शुरू कर दिया झाड़ू लगाना। वैसे आंगन में झाड़ू और कमरा बरामदा में तो मेरी जो छोटी बहन है वही लगाती है हमेशा से, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं लगा दूँ। वो ना स्कूल कॉलेज जाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही, तो उसने कहा दीदी मैं जा रही हूँ कॉलेज, एक काम करना आज झाड़ू आप लगा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज झाड़ू मैं लगा लूँगी। तो बस इसीलिए मैं यहाँ से सुबह सुबह से मैंने कर दी झाड़ू लगाना स्टार्ट। और झाड़ू लगाने में ना जहाँ धूल उड़ती है, हमारे यहाँ पर धूल होती है वो डस्ट ज़्यादा उड़ती है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है झाड़ू लगाने। बड़े आराम आराम से लगाना पड़ता है जहाँ धूल न उड़े। आपको पता है अगर घर पक्का होता है ना तो इतनी ज़्यादा धूल नहीं उड़ती है, और घर कच्चा होता है तो ज़्यादा धूल उड़ती है। इसीलिए तो ये सारा सामान हटाते हुए मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही हूँ। और सब्जी को मैंने पहले ही छौंक दिया है, बस इसके बाद फिर मुझे और भी अपने चूल्हा चौका के काम करने। मैंने कहा देखो पहले ना घर में झाड़ू लगा दो, आपको पता है घर अगर साफ़ सुथरा रहता है सुबह सुबह बासा घर रखा नहीं जाता हमारे यहाँ पे, तो कहते हैं क्योंकि मतलब घर में झाड़ू ना लगाओ तो बासा रहता है ना, इसीलिए। तो बस सुबह सुबह पहला ही काम होता है उठ के झाड़ू लगाना, चौका, चूल्हा, यही सारे काम होते हैं। तो बस अब उसके बाद में मैं जल्दी जल्दी से लगा ले रही हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद अपना बनाऊँगी खाना। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, टाइम हो रहा है शायद 8:30 बज रहे होंगे, क्योंकि ना हम लोग ना सुबह ज़्यादा लेट उठते हैं, 7 बजे तो उठते हैं। तो फिर आपको पता है 7 बजे उठ के फिर उसका चाय वगैरह बनती है, फिर सभी लोग चाय पीते हैं तो 8 बज जाते हैं। 8 बजे के बाद कहीं फिर मैं सब्जी बनाती हूँ, फिर उसका रोटी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है काम ना। और जल्दी उठो सुबह 5 बजे तो जल्दी हो जाता है, पर पता नहीं सुबह ना जल्दी उठने की हम लोगों को आदत नहीं है किसी को हमारे घर में, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है। दिक्कत कुछ नहीं है, तो मतलब ये 10-11 बजे तक खाना बन के तैयार हो पाता है, तो हम लोग उतने टाइम खा लेते हैं, बस दिक्कत भी नहीं होती। बट सुबह सुबह अगर चाय ना मिले ना, चाय की तलब ऐसी किस किस को लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो मतलब पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है, और अगर सुबह सुबह ही चाय मिल जाए तो फिर दिन बन जाता है। तो बस अब उसके बाद में यहाँ पर मेरी पूरी झाड़ू लग चुकी है, एक रूम में, इधर वाले रूम में मेरी छोटी बहन लगा गई थी ऑलरेडी। और बस अब उसके बाद में मैं यहाँ पर झाड़ू पूरी हो चुकी है ख़त्म, और उसके बाद मैं यहाँ पर कूड़ा जमा कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद कूड़े को भरकर बाहर फेंक देंगे। बस कूड़ा जमा करने के बाद में अब यहाँ पर मेरी बारी आती है आटा गूंथने की। मैंने भगोने में टमाटर आलू की सब्जी को तब तक छौंक दिया है, मैंने कहा अब एक काम करते हैं तब तक आटा को गूंथ लेते हैं। और आपको क्या बताऊँ, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो इतनी दिक्कत हो रही, क्या बताऊँ, मतलब जुकाम हो गया हल्का हल्का सा, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको तो पता है जुकाम में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए। तो बस अब उसके बाद में मैं यहाँ पर आटा गूंथ ले रही हूँ, फिर उसके बाद में बनाएंगे रोटियाँ, फिर उसके बाद मुझे ना बीच में मठा फेरने का एक और काम होता है। वो वैसे तो मैं थोड़ा बहुत मैं फेर देती हूँ, फिर उसके बाद जो मेरी बीच वाली बहन है वो भी फेर देती है, तो इसीलिए यार दिक्कत नहीं होती है। बस अब उसके बाद में ये देखो सब्जी बन के हो चुकी है रेडी। अब मैंने इसमें धनिया डाल दिए हैं, बस ये सब्जी ना टमाटर आलू की, पत्ता गोभी, फूल गोभी, वैसे यही तो सब्जियाँ होती हैं आपको पता है सर्दियों में, और ज़्यादा कोई सब्जियाँ होती नहीं है। तो बस अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर कर दिया मठा फेरने का काम स्टार्ट। और ये मठा रखा हुआ था 2 दिन का रखा हुआ, 2 दिन से मैंने नहीं फेरा, तो मैंने कहा एक काम करते एक डिब्बा अभी फेर लेते एक बाद में कर लेंगे। तो बस इसीलिए इधर देखो मेरा आटा भी मतलब गुथ के तैयार हो चुका है बस, और मैंने तवा भी चढ़ा दिया है चूल्हे पर। मैं जल्दी जल्दी से मठा को फेर ले रही हूँ, फिर उसके बाद में बनाऊँगी रोटियाँ, और ना गर्मा गर्म रोटियाँ खाओ। और ना सुबह सुबह रोटी के साथ ना मठा खाने में काफ़ी यार टेस्टी लगता है, अच्छा भी लगता है मठा के साथ अगर आप रोटी खाते हो तो। वैसे तो अच्छा नहीं लगता, पर अगर आप मठा या दही किसी के साथ भी रोटी खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कभी ट्राई करके देखना। तो इसीलिए सुबह सुबह मठा फेर लेती हैं, तो इसीलिए सही रहता है। तो बस मठा फेरने के बाद में फिर आज मुझे कुछ और भी काम करने होते हैं, फिर बर्तन धो, चूल्हा चौका, ये ढेर सारे काम हो जाते हैं ना इसीलिए। तो बस फिर उसके बाद में यहाँ पे ये मैंने टाइल्स बनाई थी आज से कम 3 से 4 दिन पहले मैंने बनाई थी आपको बताऊँ तो। फिर उसके बाद मैंने ये
हाँ टाइल्स थी इनको मतलब डाल नहीं पाया था, ये वाला ब्लॉग काफ़ी दिन से था, तो मैंने कहा एक काम करते चलो आज डाल देते। और आपको बताऊँ आज मैंने की चूना और गोबर से लिपाई, मतलब पूरे कच्चे घर में की है। चूना मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था, थोड़ा सा ही था तो थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया, पर चूना ने अपना इतना कलर नहीं दिखाया, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज करते हैं, सभी लोग करते हैं चूना गोबर से लिपाई। पर चूना थोड़ा था तो इसीलिए इसमें कलर नहीं आ रहा है। वैसे तो मैंने चूना इसमें ऐड किया, आप सोचोगे इसमें चूना तो ऐड किया नहीं, पर मैंने इसमें चूना भी ऐड किया है, पर ना उसने कलर नहीं दिया, कलर नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो एक काम करता है इस वाले ब्लॉग में आपको दिखाते हैं। और प्लीज़ तब तक आप सही वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतनी मेहनत करती हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हो ना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस अब उसके बाद यहाँ पर ये देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइल्स बना ली हैं। फिर उसके बाद वैसे तो मैं लिपाई करने वाली थी चूना गोबर से, फिर मेरी छोटी बहन ने कहा दीदी काम करो इससे अच्छा तो आप ये टाइल्स वाली डिज़ाइन वाली लिपाई कर लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये वाली लिपाई कर लेते, ये वाली लिपाई से मुझे तो लिपाई करनी है, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी से लिपाई। और ये देखो एक में मैंने चूना होता है और मिट्टी को एक में गलकाया हुआ है, एक में लाल मिट्टी को, एक में लाल मिट्टी को गलकाया हुआ है, तो बस इसी से मैं जल्दी जल्दी से कर दे रही हूँ लिपाई। और लिपाई करना पता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे आता है लिपाई करना, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उनको नहीं आता लिपाई करना, तो उनके लिए दिक्कत होती होगी, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे तो लिपाई करनी आती है, तो बस मैं तो जल्दी जल्दी से कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी छोटी बहन से कुछ कहती भी जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो बस जल्दी जल्दी से आजकल ना एक दिन छोड़ के ही मैं वीडियो डाल पा रही हूँ, हो नहीं पा रहा है, डेली में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए चलो देखते हैं। रेगुलर ब्लॉग नहीं आ पाते हैं, पर एक दिन छोड़ के तो पक्का आते हैं ब्लॉग, तो इसीलिए तो बस अब ये देखो मैं जल्दी जल्दी से कर ले रही हूँ लिपाई। और ऐसे ना मुझे भी दिक्कत नहीं होती है एक दिन छोड़ के ब्लॉग्स बनाने में, वैसे डेली दिक्कत हो जाती है ना आपको पता है, इसीलिए तो बस मैंने कहा चलो दिखाते हैं आज आप सभी के साथ। तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, एक चैनल को मतलब को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। आज फाइनली मेरे चैनल पे 700 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए हैं, 700 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने की खुशी आप लोग समझ ही सकते हो, जो अपनी मेहनत से एक एक सब्सक्राइबर मतलब गेन करते हो, कम्प्लीट करते हो, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। 700 सब्सक्राइबर्स तो मेरे हो चुके हैं पर व्यूज तो 700 भी नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आते, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। अब देखो कंटेंट को मैं अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ, पर देखते हैं, तो भगवान जी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ मेरी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसी बात तो है नहीं। तो बस अब उसके बाद में यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देखो मैं निकाल रही थी भैंस से दूध, और वो बार बार आ रहा था भैंस के पास में, पर जो हमारी भैंस है इतनी सीधी है वो किसी को मारती नहीं है, तो इसीलिए देखो ये इसको देख रही थी तो मार नहीं सकती है, भैंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसीलिए तो फिर मैंने कहा चलो भैंस से दूध निकाल लेते हैं, चलो आप सभी को दिखाते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो सभी को आता ही होगा भैंस से दूध निकालना, तो बस इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, और गाँव में रह गए थे आप, गाँव में रहते हो तो आपको ये सब काम तो सीखने ही पड़ते हैं, ज़रूरी होते हैं ये सब काम सीखना, भैंस से दूध निकालना, गाय से दूध निकालना, सानी पानी गोबर से लिपाई, ये सभी काम आपको आने चाहिए जब आप रहते हो गांव में, तो बस इसीलिए तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से भैंस से दूध निकाल ले रही हूँ। फिर उसके बाद में मुझे खाना बनाना है, दूध को भी हांडी में उबलने के लिए रखना है, और आज मुझे जुकाम है तो इतना अजीब सा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बिल्कुल भी नाक है बिल्कुल खुल नहीं रही, इतनी दिक्कत हो रही है बोलने में, क्या बताऊँ, सांस लेने में भी ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो बस वॉश ओवर के टाइम इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, पर आप लोग मैनेज कर लेना। तो बस भैंस से दूध निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से करते हैं और काम करने में मतलब मुझे ज़्यादा काम है नहीं मेरे पास, तो बस शाम को खाना सब्जी बनानी होती है, फिर रोटी बनानी होती है, आटा छानना होता है, ये सारे काम होते हैं, आपको पता है ये सारे काम तो मेरे हिसाब से डेली सभी लोग करते होंगे, इतने ज़्यादा काम तो ये काम तो सभी के घर में होते होंगे, नॉर्मली काम होते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं होते हैं, तो बस इसीलिए
फिर उसके बाद में ये मेरी छोटी बहन थी, बीच वाली बहन, वो गई थी मार्केट, तो ये वहाँ से रिकॉर्ड करके लेके आई, तो उसने कहा दीदी लगा देना। वो और मम्मी दोनों लोग गए थे, तो ये देखो ये लोग गए थे। खाट होती है उसको, मतलब उसको भरने के लिए बांध चाहिए होता है, बांध बोलते हैं उसको, तो बस वही लेने गई थी, तो उसने वहाँ से रिकॉर्ड किया था। ये देखो ये दिख रही है, वो मेरी छोटी वाली बहन गई थी, बीच वाली बहन, तो वो फिर उसके बाद वो वहाँ से रास्ते में लौट के आ रही थी, तो उसने कहा चलो रिकॉर्ड कर ले थोड़ा बहुत ब्लॉग। ये देखो रास्ता कितना ज़्यादा साफ था, तो ये देखो ये इतना सामान लेके आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा सामान था, यहाँ से कोई रास्ता वाहन वगैरह कुछ मिलता है नहीं, तो इसीलिए दिक्कत हो गई थी। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज का ये ब्लॉग समाप्त करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।